छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मेंस के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। जो लोग पीएससी प्री का जो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं या फिर अच्छे से नंबर बनाए होंगे, आप लोग कितने नंबर बनाए हैं आप कमेंट करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। साथ ही आज से स्टार्ट हो चुका है पहला वीडियो है रिकॉर्डेड क्लॉज, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान नीति निर्देशक तत्व पूछे गए प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पीएससी प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है तो आप लोग कितने नंबर तक बनाए हैं, ठीक है। 70 से 75 या फिर 80 से 85 या फिर 60 से 65 के बीच में कितने लोगों ने कितने नंबर तक बनाए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सीजीपीएससी प्री में माइनस मार्किंग नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। अब इधर उधर ध्यान न दें, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। आपका टेस्ट सीरीज के रूप में प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 8। यानी कि संविधान के किस भाग में, यानी कि संविधान के कौन सा भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये साधारण प्रश्न है, यानी कि सरल से सरल प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा और इसका फटाफट आंसर दीजिएगा। ऐसा इतना सरल क्वेश्चन नहीं देगा, फिर भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिस यानी कि रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज आपका पहला वीडियो है, ठीक है। कौन सा वीडियो है? पहला वीडियो है मेंस के लिए, ठीक है। प्री का तैयारी करा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, लिंक में दिया गया है। और जितने भी मैं टॉपिक कराया हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, वो आपके मेंस के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, ठीक है। तो इसका आंसर कितने लोगों ने कमेंट किया फटाफट कमेंट करते जाइएगा। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट कमेंट करें। अब आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। संविधान के कौन सा भाग है? संविधान के भाग 4, बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आंसर बी आया है फटाफट कमेंट करें ना। संविधान किस भाग में है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। देखिए कितने लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर, 70% लोगों ने आंसर दिया है भाग 4, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में है फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, 30 सेकंड का समय है, ठीक है, फटाक से कमेंट करें ना। संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने वालों के लिए ही यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। अब आज से ही स्टार्ट हो चुका है मेंस की तैयारी के लिए, चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। हाँ इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है फटाफट। कौन है जल्दी से बताइएगा? राकेश, मीना, राजू, सिद्ध, सिन्हा, मीना, गौतम। चलिए सभी लोगों का आंसर बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। जिन लोगों का आंसर 36 से 51 आया है वो बिल्कुल सही है, आंसर सी होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैं शो करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा 36 से 51, यानी कि यहाँ पर जो 36 से 51 है संविधान के अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व से लिया गया, कौन से संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कौन से संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद, जल्दी से बताइए, भाग 3 में कौन सा है, कौन सा संविधान है भाग 3 में, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आपका जो चल रहा है भाग 4 का है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, ठीक है। भाग 3 में कौन सा अधिकार दिया गया है कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये देखिए बिल्कुल सही है, एग्जाम में ऐसे पूछा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया, अभी हाल ही आपको मैं बताया हूँ, फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करें, ठीक है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, देखिए एक बार पूछ भी चुका है, ठीक है, एक बार बार एग्जाम में पूछता है, फटाफट कमेंट करें। यहाँ पर अभी मैं आपको बताया हूँ, जस्ट इतना सरल क्वेश्चन और कहीं नहीं पूछेगा।
बिल्कुल सही आंसर है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य क्या है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। देखिए इसका आंसर बहुत लोगों का आ रहा है बी और सी। ठीक है, बी और सी आ रहा है, आप परफेक्ट बताइएगा ना, यहाँ पर बी और सी ना करें, कन्फ्यूजन ना करें, बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर अब सी आ रहा है, 90% लोगों का आंसर सी आ चुका है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य होता है आपका, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापित करना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, देखिए यहाँ पर पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का जो अधिकार है, कौन सा आर्टिकल नंबर में दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल अंतिम शेष दिन है, आप लोग तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिएगा मेंस के लिए। ठीक है, प्री का मैं तो अच्छे से पढ़ा चुका हूँ और बहुत से वीडियो में यह क्वेश्चन जो आए बहुत ही अच्छे से आया हुआ है। ठीक है, और सी सेट का जो क्वेश्चन पेपर है आज शाम को आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे पीएससी प्री का एग्जाम। देखिए पीएससी प्री का जो एग्जाम है 12 फरवरी को होने वाला है और आज आपका 1 फरवरी है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अंतिम शेष दिन। ठीक है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, फटाक से कमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर बहानाबाजी नहीं चलने वाली। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस करते जाइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डेली क्लास करा रहा हूँ। टाइम की बात करें तो टाइम आपका रहता है 7:30 और 8:30 के बीच में। ठीक है, वीडियो का रिकॉर्डेड जो क्लास होती है वो अपलोड कर दिया जाता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लास बने रहिएगा। यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा, डेली क्लास में करा रहा हूँ। भारत का संविधान, छत्तीसगढ़ का संविधान, बिल्कुल क्लास में करा रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास हो चुकी है कंप्लीट, तो आज से हम देखिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान की क्लास होती है वो भी हम 8:30 बजे रिकॉर्डेड क्लास कराएंगे। ठीक है, कल से स्टार्ट होगी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और आज से भारत का सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिएगा। इसका आंसर क्या आएगा फटाक से कमेंट करें, कितने लोगों का आंसर आ चुका है, डी डी। ठीक है, डी डी डी, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल नंबर 39 में जो समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन के लिए अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही है, हम चेक करके बता दिए। ठीक है, अब चलिए इसका क्या आएगा फटाक से कमेंट करें, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं, तो ऐसा कौन सा संशोधन संविधान है जो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल नंबर पर्यावरण से संबंधित 44, 42, 40 से 41, फटाक से आंसर दीजिएगा, यहाँ पर तुरंत तुरंत आंसर आना चाहिए, यानी कि जल्द जल्द। ठीक है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करिए, 42, बिल्कुल सही, बी आंसर आ चुका है, 42वें संविधान, बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया है स्टूडेंट ने, हाँ प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर, देखिए गलत हो या सही हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। और संविधान के कौन से नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है, मौलिक अधिकार, तो आपको 42वें संविधान में दिया गया है, बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आया है 42वें संविधान, अ आंसर अ, कितने लोगों का आया है, 45 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, तैयारी करते जाइएगा ना। चलिए इसका आप बताइएगा क्या आएगा, निम्नलिखित इसमें सही कथन क्या है, क्या है यहाँ पर, जो कि कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना राज्य का कर्तव्य है, और ये आंसर बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर, 39 लोगों का आंसर आया हुई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते जाइएगा ना धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, अब मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, जो अंतर है देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर पूछा गया है, तो मौलिक अधिकार वाद्य योग्य जबकि निर्देशक तत्व योग्य नहीं है, और मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि निर्देशक तत्व नैतिक है, मौलिक अधिकार रहने तो अपना जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी होगा या फिर ए होगा, बी होगा, सी होगा, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। 30 सेकंड का फिर आपको समय दिया जा रहा है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, क्या अंतर है, बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही है डी, जितने लोगों का आंसर आया है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये आपका देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल नंबर 50 में कौन से किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा फटाक से क्या आएगा।
कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य शिक्षा? फटाक से कमेंट करें। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 50 में यानी कि 50 में कौन से संबंधित है? हाँ, 30 सेकंड का समय है, फटाफट कमेंट करें। इतना जल्दी आंसर आ चुका है, यहाँ पर देखिए बहुत लोगों ने आंसर ए और सी आया है, ए और सी। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं ए या फिर सी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अंतर आर्टिकल नंबर 50 में दिए गए वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना है, ठीक है, पृथक करना है। तो इसका आंसर ए होगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आया है। तो यहाँ पर एक और दो यानी कि पहला होगा इसका आंसर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 बिल्कुल सही है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना, ठीक है। कितने लोगों का आंसर आया? 34 लोगों का आंसर आया है। और बाकी लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? बाकी लोग भी कमेंट करना स्टार्ट करें, फिर बाकी बच्चों की जैसे पीछे ना रहो, ठीक है। पॉइंट पॉइंट में यहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। पॉइंट का परसेंट मतलब वैल्यू रहता है, ओके। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, जो 36-51 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36-51 से लिए गए या आयरलैंड के संविधान से लिए गए, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 36 में क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है? जल्दी से फटाफट कमेंट करें कौन सी का वर्णन किया गया है, राज्य की परिभाषा, ठीक है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 38 है लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है, कौन कौन से लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। मैं दोबारा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 39 में कहता है कि राज्य के भौतिक अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा, राज्य का महिला बालिका पुरुष सभी ध्यान रखेगा, ठीक है। इसके बाद समान कार्य रखी गई, आर्टिकल नंबर 39 में कहता है कि निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 40 में राज्य ग्राम पंचायत को बढ़ावा देकर उनकी शक्तियों को प्रदान करना है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया आर्टिकल नंबर 40 जो कि राज्य ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में देखिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 42 से, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 41 देख लेते हैं, जो राज्य के आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों को विशेष ध्यान में रखना है। और 40 कार्य कहता है कि जो दशाएं बनेगा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराया जाना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 है, 43 है उपद्योग के प्रबंधन में मजदूर या श्रमिक के भाग को लेकर अधिकार, ठीक है। और 43 के क में है आपका सहकारी समितियों की स्थापना 97 यानी कि 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 44, तो राज्य के समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का जो व्यवस्था करेगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, आपके एग्जाम में आया हुआ है, पीएससी प्री के एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद बात करें कि 46 है कि राज्य के एसटी, ठीक है, ये एसटी और एससी के दुर्बल वर्गों के हितों को ध्यान में रखेगा, कौन सा आर्टिकल नंबर 46 है। और ये वाला एग्जाम में पूछा गया है 48 जो कि राज्य की कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल नंबर 48 में क्या है, तो आप बताएंगे राज्य कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 48 जो है आपका पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, यानी कि एग्जाम में पूछा गया है, ये तीनों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम में आपके पूछे गए हैं पीएससी व्यापम के एग्जाम में। तो आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि कृषि से संबंधित पशुपालन अगर पूछा जाए तो आप आर्टिकल नंबर 40 बताएंगे, और पर्यावरण से संबंधित पूछा जाएगा तो 48 का क बताएंगे, ठीक है। और 50 में क्या है, राज्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगा यानी कि अलग करेगा। तो देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मैं अभी मैं आपको बताया हूँ और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं तीनों।
इसके बाद है कि ये आपका 3651 तक लिया गया, ठीक है, टीका नंबर 3651 तक लिया गया है राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति का जो वर्णन है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित करना है। और देखिए, ये सबसे मूल बात यह है कि इसको ध्यान से समझिएगा ये वाला, ठीक है। भारत के भाग चार का मौलिक कर्तव्य, ठीक है, रूस यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 51 के क्रम में 42वें संविधान संशोधन 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ध्यान से समझिएगा, जो कि संख्या 10 रखी थी, लेकिन वर्तमान में अभी कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11। ध्यान से समझिएगा, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आता ही है, इस बार समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो 11 मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। कौन से संविधान से? 86वां, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा संविधान है, 86वां, फटाक से कमेंट करें, यहाँ पर 86वां लिखे, चलिए जल्दी। 11 जो मौलिक कर्तव्य, ऐसे में याद होगा आप लोगों को, ठीक है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जबकि प्रत्येक माता पिता संरक्षण अभियान प्रत्येक 14 वर्ष से कम आयु के बालिकों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं को राष्ट्रध्वज के राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। चलिए, ये इधर का ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला याद रख लीजिएगा, ये जो तीसरे नंबर में भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें उसका, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, मैं डायरेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कमेंट में डायरेक्ट आंसर दे दिया हूँ, ठीक है, एकदम पूरे PDF नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। एक एक बार रिवाइज करते जाइए, फटाफट मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है, कोई निःशुल्क नहीं लिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी के लिए है कि डेली क्लास करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उसी पर भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, ठीक है, सी आंसर आएगा। उसी प्रकार आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 साल। भारत कम से कम राष्ट्रपति 30 से 35 साल, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, 30 से 35 साल आता है राष्ट्रपति बनने के लिए। जो कम आयु पूछा गया है तो 30 बताएंगे, और अगर पूछा जाए तो आप 35 बताएंगे, ठीक है। तो अगर कम पूछा गया है तो आप 30 बताएंगे, लेकिन न्यूनतम आपका 30 रहता है और इसमें 35 से लिया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति एक महीने की सैलरी कितनी होती है? तो आप सभी को मालूम है 5 लाख, ठीक है। भारत की जो राष्ट्रपति है उसकी सैलरी 5 लाख होती है। अगर उपराष्ट्रपति का पूछा जाए तो आप बताएंगे 4 लाख रुपये, ठीक है। उपराष्ट्रपति कितना है? 4 लाख। और राज्यपाल सभापति का पूछा जाए तो आप बताएंगे ये भी 4 लाख, ठीक है। चलिए, भारत में जो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फटाफट कमेंट करें, यहाँ पर फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति से संबंधित, जो कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति से और राज्यपाल दोनों से भी संबंधित होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद भारत का जो राष्ट्रपति है आपका राज्य का क्या होता है? प्रधान, एक मिनट ना, प्रधान होता है, ठीक है, पहला होगा। इसके बाद भारतीय संविधान का अनुधार, देश का जो नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए, अब भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? वो भी आपका राष्ट्रपति होगा, ठीक है। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है। आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? संवैधानिक अध्यक्ष, आंसर बी, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये आपको मालूम है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। और बिल्कुल आप सभी को मैं डिटेल बता रहा हूँ, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे हैं जो 64 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे और एकमात्र प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। कौन है भारत के सबसे कम उम्र के? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। वो निर्विरोध चुने गए थे। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। अब भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है? तो कोई सीमा नहीं है इसकी, ठीक है। कई बार लड़ सकता है वो, कई बार, हर बार, हर साल, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस प्रकार होता है? आप सभी को मालूम है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कैसा होता है? अप्रत्यक्ष
होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल प्रणाली। ठीक है, मैं इसका डिटेल में आपको बिल्कुल क्लासेस में करवाया हूँ। अरे आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया था, डायरेक्ट मैं आपको आंसर करा रहा हूँ ना, टाइम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद चुनाव की जो संबंधी विवाद किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। चौथे, एक मिनट ना, चौथे राष्ट्रपति ना, बिल्कुल सही, चौथे जो राष्ट्रपति हैं आपका वीवी गिरी है। और वीवी गिरी का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण नाम क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका पूर्ण नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, भारत के जो चौथे राष्ट्रपति है वीवी गिरी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताइएगा, क्या नाम है उनका। और देखिए, राष्ट्रपति के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इसके बारे में बात करें कि देखिए, जो ज्ञानी जैल सिंह हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, देखिए आपके आंसर डी में भी दिया गया है, जो भारत के राष्ट्रपति से निर्वाचित होने से पहले ही, इसके पहले उपराष्ट्रपति कहाँ गए थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन राष्ट्रपति चुने जाते हैं? प्रथम गैर कांग्रेसी वीवी गिरी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो आप सभी को मालूम है, श्री राजगोपालचारी। ठीक है, और भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संकुलित मतपद्धति द्वारा अपनाया जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आंसर डी होगा, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संकुलित मतपद्धति से दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव कितने समय तक रहता है? आपको मालूम है 14 दिन के अंदर। ठीक है, यानी कि 2 सप्ताह। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? बी। चलिए, किसके द्वारा राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। आप सभी को मालूम है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग जो कार्रवाई की जा सकती है, तो किसी भी सदन में की जा सकती है। ठीक है, संसद के कोई भी सदन में। ठीक है, कोई भी सदन में। एक बार याद से ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग जो कार्यवाही किस में की जाती है? संसद के विरुद्ध। ठीक है, संसद के जो किसी भी सदन में की जा सकती है। इसका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है कौन से अतिक्रमण से? अतिक्रमण करने पर। क्यों लगाया जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रपति महाभियोग? अनुच्छेद किस में लगाया जाता है? 61 में। ठीक है, किसके आधार पर लगाया जाता है? अतिक्रमण करने पर। अतिक्रमण करने पर आपके आंसर कौन सा दिख रहा है? बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? आप सभी को मालूम है अमेरिका के संविधान से लिया गया जो राष्ट्रपति है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? महाभियोग। महाभियोग कब लगाया था? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अब कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति कौन से पद से हटा सकते हैं? महाभियोग लगाकर। महाभियोग। ठीक है, अब राष्ट्रपति को कौन पद से गोपनीयता की शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन है? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करता है? आप कमेंट करके बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। संविधान के जो अनुच्छेद है वो किसके तहत भारत के मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? कौन सा आर्टिकल नंबर के तहत? 58, 66, 70 या 16? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है। बहुत लोगों का आंसर आया है, बिल्कुल सही है, ये 60 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितने का? 60 के अंतर्गत आपका आता है। चलिए, इसका आप बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देता है? फटाक से कमेंट करें यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर कोई स्टूडेंट अच्छा से जवाब दे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है त्याग, इतना सरल क्वेश्चन और कहाँ पूछेगा भाई। आप लोग कमेंट करना स्टार्ट तो करो पहले, क्या आएगा, गलत होगा सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट तो करो, चुप ना रहो यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को एग्ज़ाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसीलिए मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, पहले तो आपको मैं बेसिक क्लास लिया, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना सरल सरल क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, टाइम की बात करें तो 7:30, बार बार टाइम ना पूछो ना यहाँ पर, क्या आएगा? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को ही देगा ना, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। क्या है आंसर? उपराष्ट्रपति आएगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? आप बताइए किसको देता है, इतना सरल क्वेश्चन कौन पूछेगा एग्जाम में, और इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। कमेंट लेकर फटाफट कमेंट करें यहाँ पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है उपराष्ट्रपति को देता है, किसको देता है उपराष्ट्रपति?
बिल्कुल सही आंसर है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है। कितने लोगों का आंसर आया? 53 लोगों का आंसर आया। तो बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग भी कमेंट करें यहाँ पर, गलत हो गए सही हो गए कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन चुके हैं? आपको मालूम है राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, लगातार 2 बार बन चुके हैं। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा क्या आएगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित, पुनः निर्वाचन के लिए फिर से, तो आर्टिकल नंबर 54 आ रहा है, 55 आ रहा है, 54 और 55 कंफर्म बताइएगा क्या आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन फिर से निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित होती है? 54। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। 54 दिया है लेकिन यहाँ पर 57 है, कितने दोनों लोगों गलत है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया, आपका हो गया 57। कितने लोगों का 57 आया था? कितने लोगों का है? यानी कि देखिए, 19 लोगों का 57 आया और बाकी लोगों का बी और डी आ रहा था। कैसे आ रहा था भाई? जब पुनः फिर से निर्वाचन किया जाता है तो आपका 57 में किया जाता है। चलिए इसका बताइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी के शासन के दौरान पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब सभी को आना चाहिए फटाक से। और देखिए फटाफट आना स्टार्ट हो चुका है। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेरी गुड। चलिए इसका बताइएगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? पहले हो गई थी, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। इसका आंसर भी बहुत लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताइएगा फटाक से। निम्नलिखित किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? जो राष्ट्रपति है किस पद की नियुक्ति नहीं कर सकता है? फटाक से कमेंट करें ना यहाँ पर, फटाफट कमेंट। प्रधानमंत्री कैसे है? अगर राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, राष्ट्रपति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो बिल्कुल सही है, इसका भी करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा ये, ठीक है, क्या आएगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है, समझ में आया। निम्नलिखित इसका आप बताइएगा, ठीक है, निम्नलिखित किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, इनमें से सभी हैं, सभी आएगा। भारत का महान न्यायाधीश नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सबकी नियुक्ति करता है, कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और डेली क्लास करने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली क्लास कराया जा रहा है शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में, रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जा रही है, ठीक है, और डेली क्लास करते रहेगा, वीडियो पर बने रहेगा, डेली क्लास कराया जा रहा है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से जाइएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेली क्लास कराया जा रहा है, भारत का संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो पर, डेली क्लास करते रहेंगे। अब हम कल के क्लास में देखेंगे पीएससी का जो एग्जाम होना है 12 फरवरी, उसमें सी सेट का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।